अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि आप लोग यानी कि कुछ लोगों को इल्म नहीं होता कि यार वो पासपोर्ट बनवा लेते हैं, जमा करवा लेते हैं वीज़ा, उसके बाद तो पता चलता है कि यार इसकी उम्र पूरी नहीं हुई और वो वीज़ा नहीं लगता, रिजेक्ट हो जाता है। तो उनकी उम्र कम होने की वजह से, तो मैं आप लोग को ये उम्र के हवाले से बात करने जा रहा हूँ कि सऊदी अरब का वीज़ा कितनी उम्र हो तो उसके बाद आप लोग वीज़ा लगवा सकते हैं, यानी कि कम से कम कितनी हो और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो। आज इस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें और चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और हाँ, एक और चीज़ भी मैं आप लोग को बता दूँ कि जिन लोगों को शक हो कि यार ये आके भाई गलत बात कर रहा है, तो मेरे पास वीज़ा मंगवा सकते हैं। मैं उनका काम जैसा मैं बोल रहा हूँ मैं उस तरह मैं आप लोग को मैं काम करा के दे सकता हूँ, सही है। इसके बाद औरों की मेरी गारंटी नहीं है, और आप लोग के साथ क्या कमिटमेंट कर रहे हैं, आप लोग के साथ क्या बात कर रहे हैं, उनकी मेरी गारंटी नहीं है। जो मैं खुद बात कर रहा हूँ उस चीज़ की मेरी गारंटी है। अगर जो कहते हैं कि इस तरह नहीं हो सकता तो मैं उनका वीज़ा लगवा के दे सकता हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, बताना चाह रहा हूँ कि आपकी उम्र कम से कम यानी कि स्टार्टिंग आपकी उम्र तकरीबन 21 साल से ऊपर और नीचे ना हो, 21 साल की उम्र हो तो आप लोग का वीज़ा लग सकता है। और ज़्यादा उम्र कितनी होनी चाहिए, अक्सर बुज़ुर्ग लोग भी जाना चाहते हैं। और एक बुज़ुर्ग आज थे जिनकी मुझे कॉल वसूल हुई है, उसके बाद मेरे दिमाग में भी ख्याल आया कि यार अपने व्यूवर्स और अपने यूट्यूबर भाई को भी मैं बता दूँ, आगाह कर दूँ कि यार इतनी एज होना लाजमी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 60 साल उम्र होना चाहिए, और 60 साल के ऊपर वीज़े नहीं लगते, यानी कि 60 साल से नीचे होनी चाहिए। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, इंशाल्लाह इसी तरह की मैं आप लोग को वीडियो आप लोग को मैं शेयर करता रहूँगा, इसी तरह की बात जो भी है रियल तरीके की बात आप लोग को मैं शेयर करता रहूँगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरी वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।